नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, महामारी संक्रमण के दौरान शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का एक बिल्कुल ही नया चेहरा सबके सामने आया। उन्होंने केवल छात्र छात्राओं की पढ़ाई ही नहीं कराई, बल्कि लोग स्वस्थ रहें इसके लिए भी बहुत जतन किया। महामारी योद्धा के रूप में कार्य करने वाले शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को बदले में अभी तक 3 महीने से मानदेय भी नहीं दिया गया है, जिससे उनके जीवन यापन में काफी मुश्किलें हो रही हैं। साथ ही साथ जून महीने का मानदेय उनको दिया जाएगा या नहीं मिलेगा, यह स्थिति भी अभी स्पष्ट नहीं है। इस खबर को मैं अभी आपको पूरा दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ शेयर भी करें। दोस्तों, प्रदेश के सभी शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों ने महामारी काल के दौरान एक बहुत ही अच्छा काम किया। अधिकांश जिलों में डीएम के आदेश पर शिक्षा मित्रों को जून माह में सरकारी राशन की दुकान पर नोडल अधिकारी के रूप में तैनात किया गया। पिछले वर्ष तक सरकार शिक्षा मित्रों को जून माह का मानदेय नहीं दे रही थी। ज्ञात हो कि शीर्ष कोर्ट के आदेश पर सरकार अगस्त 2018 से शिक्षा मित्रों को संविदाकर्मी के रूप में 11 महीने तक 10,000 रुपए प्रतिमाह देती रही है, जबकि पहले समायोजित शिक्षा मित्रों को करीबन 40,000 रुपए प्रतिमाह वेतन दिया जाता था। वहीं अनुदेशकों ने भी इस महामारी काल में अपने कर्तव्य को पूरी तरीके से निभाया है और इन्हें भी अभी तक 3 महीने तक सैलरी नहीं दी गई है। साथ ही साथ इनकी बात भी ये अधर में अटकी हुई है कि क्या इन्हें भी जून महीने का मानदेय मिलेगा या नहीं मिलेगा। अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को नई तरीके से मानदेय भुगतान की तैयारी की जा रही है, जिसके कारण उन्हें जून, जुलाई और अगस्त का मानदेय नहीं मिल सका है। हालांकि हम यहां पे आपको बता दें कि जुलाई और अगस्त मानदेय की भुगतान की किस्त को जो है वो जारी कर दिया गया है, लेकिन तकनीकी तैयार ना होने के कारण उसका भुगतान अभी भी नहीं हो पाया है। वहीं जून माह के भुगतान पर असमंजस बना हुआ है। प्राथमिक विद्यालयों में लगभग 20 साल से शिक्षक के समान शिक्षा कार्य करने वाले शिक्षा मित्र और उनके परिजनों की जिंदगी बदहाल है। वहीं यही हाल अनुदेशक और उनके परिवारों का भी है। वजह केवल 3 माह से मानदेय ना मिलना ही नहीं, बल्कि शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों दोनों को ही कभी भी समय से मानदेय नहीं मिलता है। इस पर बार बार प्रदर्शन भी हो चुके हैं, कई बार सरकार से गुहार भी लगाई गई है, लेकिन अभी तक इस पे कोई भी ऐसा ठोस कदम नहीं उठा पाया है जिससे इसका सलूशन निकाला जा सके और अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को समय से मानदेय मिल सके। वहीं सरकार के इस ढीले रवैये के कारण बहुत सारे अनुदेशक और शिक्षा मित्र परेशान होके या तो इस जिंदगी को अलविदा कह चुके हैं या फिर इस नौकरी को छोड़ चुके हैं। वहीं जो बचे हुए अनुदेशक और शिक्षा मित्र हैं उनकी जिंदगी बहुत ही बदहाल है। सरकार को जल्द से जल्द इस संबंध में कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि अनुदेशक और शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाया भी जाए और साथ में उन्हें समय से मानदेय भुगतान भी किया जाए। इससे संबंधित और भी जो अपडेट होगी वो मैं लगातार अपने चैनल पे आपको दिखाता रहूंगा, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और साथ ही साथ आप अपने सभी शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के ग्रुप में इस वीडियो को जरूर भेजें ताकि सभी लोग इस चैनल से जुड़ सकें। धन्यवाद।